यार अगर वैसे तेरी लॉटरी निकले है तो तू कहाँ जाएगा सबसे पहले? कहते थाईलैंड। अबे यार तेरे बाप से परमिशन नहीं मिलती कॉलेज की ट्रिप पे जाने के लिए, तू जाएगा थाईलैंड है? पहले जमीन से तो उगले। खैर छोड़ो यार, अपनी किस्मत में तो लगता है अस्क्री बैंक में बड़ी भी पाकिस्तानी करेंसी है, डॉलर कोई नहीं है। चल यार वीडियो स्टार्ट कर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर उनकी लॉटरी निकल आए तो उनकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और वो अपनी ड्रीम लाइफ गुजार सकेंगे, लेकिन टोंडा डिकर्सन, तो यार ये क्या बेहुदा नाम ले आते हो यार। खैर टोंडा डिकर्सन की कहानी सुनने के बाद आपका लॉटरी जीतने के बारे में जो ख्याल है वो चेंज हो जाएगा। टोंडा डिकर्सन एक डाइवोर्स्ड अकेली माँ थी जो अपने 20s में फ्लोरिडा के एक छोटे से रेस्टोरेंट द ग्रैंड बे वॉफल हाउस में काम करके अपना घर चला रही थी। टोंडा मुश्किल से अपने एक्सपेंसेस पूरे करती थी और एक हफ्ते में 5 शिफ्ट्स में काम करती थी और उसका मंथली साइकिल बड़ी मुश्किल से चल रहा था। जिस दिन टोंडा की कहानी शुरू हुई वो उसकी जिंदगी का एक आम सा दिन था। द ग्रैंड बे वॉफल हाउस में लोग रूटीन की तरह आ जा रहे थे, किचन में नाश्ते बन रहे थे और सब लोग अपनी रूटीन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे थे। एडवर्ड सीवर्ड जो कि एक ट्रक ड्राइवर था और टोंडा का एक रेगुलर कस्टमर था, वॉफल हाउस में दाखिल हुआ और जाकर खामोशी से एक टेबल पर बैठ गया। अपना नाश्ता ख़त्म करने के बाद एडवर्ड ने टोंडा को टिप के तौर पर एक लॉटरी का टिकट दिया जो उसने फ्लोरिडा के रास्तों में से किसी एक पर से गुजरते हुए खरीदा था। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये लॉटरी का टिकट टोंडा की जिंदगी को बदल देगा, लेकिन ऐसा नहीं है और इस कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। इस लॉटरी के टिकट ने टोंडा की लाइफ को ऐसा इफेक्ट किया कि बात उसकी जान तक आ गई। टिकट मिलने के एक हफ्ते बाद विनिंग लॉटरी नंबर अनाउंस किया गया और सरप्राइजिंगली ये टिकट टोंडा के लिए लकी साबित हुआ और वो $10 मिलियन की मालिक बन गई। टोंडा क्योंकि यंग थी और एकदम पैसे आने और उसको खर्च करने के ख्याल से उसने पैसे लमसम लेने की बजाय 3,75,000 की 30 एनुअल पेमेंट्स में लेने का फैसला किया। इतना ज्यादा पैसा होने का ख्याल ही टोंडा को बहुत खुश कर रहा था। इसी खुशी में टोंडा ने वॉफल हाउस की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया। अभी पैसा आया ही था कि टोंडा के लिए बहुत सारे मसले खड़ा होना शुरू हो गए। टोंडा के साथ काम करने वाली 4 वेट्रेसेस ने यह दावा किया कि टोंडा ने कस्टमर से जो टिकट हासिल किया था इसे 4 बराबर हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होना था और ये एक ज्वाइंट एग्रीमेंट था जो उन सब ने लॉटरी का टिकट मिलते वक्त किया था। जब ये मामला कोर्ट में पहुंचा तो उन वेट्रेस की तरफ से एक कस्टमर को गवाह के तौर पर भी पेश किया गया और उसने इस बात की गवाही दी कि टोंडा को इस एग्रीमेंट का जिक्र करते हुए उसने सुना था। इसके जवाब में टोंडा ने यह डिफेंस पेश किया कि वेट्रेसेस का ये गवाह असल कस्टमर नहीं था बल्कि उनका कोई दोस्त था जिसको वो केस जीतने की गर्ज से लेकर आए थे, पर कोर्ट ने फैसला टोंडा के खिलाफ कर दिया और कहा कि टोंडा को रकम बाकी वेट्रेसेस के साथ बांटनी हो। ये फैसला आगे जाकर अलबामा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया क्योंकि ये पूरा केस गैम्बलिंग पर बेस्ड था और गैम्बलिंग अलबामा में इलीगल थी। टोंडा केस तो जीत गई थी लेकिन यहाँ पर उसके लिए एक नया मसला खड़ा हो गया। जब एडवर्ड को यह पता चला कि टोंडा लॉटरी जीत गई है तो उसने टोंडा को इनाम में अपने हिस्से के पैसे हासिल करने के लिए सू कर दिया और ये दावा किया कि टोंडा ने कहा था कि अगर वो लॉटरी जीत गई तो वो उसे एक नया ट्रक खरीद कर देगी। क्योंकि स्टुअर्ट के केस की कोई भी स्ट्रॉन्ग रीजनिंग नहीं थी इसलिए अदालत ने इसे बहुत जल्दी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन टोंडा को फिर भी सुकून का सांस नहीं मिला। जब टोंडा के अब्यूजिव एक्स हस्बैंड स्टेसी मार्टिन को ये बात पता चली कि उसकी एक्स वाइफ इतने ज़्यादा पैसे जीत चुकी है, उसने टोंडा की जिंदगी को एक नए तरीके से मुश्किल बनाने का फैसला कर लिया। उसने टोंडा को किडनैप किया और उसे ड्राइविंग सीट पर बिठा कर गाड़ी चलाने का कहा और टोंडा को ये बात उसने एक बड़े क्लियर तरीके से बता दी कि अगर वो वैसा नहीं करेगी जैसा वो कह रहा है तो वो उसे मार देगा। टोंडा और मार्टिन अलबामा के एक दूर दराज एरिया की तरफ ड्राइव कर रहे थे जब मार्टिन का ध्यान उसके फोन पर गया और मौके का फायदा उठाते हुए टोंडा ने बंदूक निकाल कर उसे चलाने की धमकी दी। मार्टिन ने अपनी पूरी ताकत के साथ गन पकड़ने की कोशिश की लेकिन इससे पहले ही कि वो गन पकड़ सकता टोंडा ने ट्रिगर दबा दिया और गोली सीधा मार्टिन के सीने में जा लगी। गोली से मार्टिन जख्मी जरूर हुआ पर उसकी जान बच गई। टोंडा से गन वापस लेने के बाद दोनों हॉस्पिटल पहुंचे और वहां मार्टिन का इलाज किया गया जिसके बाद उसे थोड़ा अरसा जेल में भी रहना पड़ा। एक लॉटरी जीतने की वजह से टोंडा के लिए जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई और तरह तरह के लोग उसे उसका जीता हुआ पैसा हासिल करने के लिए हर किस्म की कोशिश कर रहे थे। टोंडा की कहानी में आखिरी प्रॉब्लम IRS था। बहुत साल तक IRS ने टोंडा डिकर्सन के खिलाफ कार्रवाई की
IRS ने $100,000 के करीब रकम गिफ्ट टैक्स के तौर पर डिमांड की, लेकिन टोंडा IRS को अदालत में ले गई और आखिरकार साबित हुआ कि IRS गलत था। कोर्ट ने IRS के सब दावे रिजेक्ट कर दिए और आखिरकार टोंडा की जान छूट गई। टोंडा के सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंगली अब वो एक कैसीनो में पोकर डीलर के तौर पर काम कर रही है। अब वो सारा पैसा जो टोंडा ने जीता था कहाँ गया? कुछ लोग कहते हैं कि टोंडा ने वो रकम अपने खानदान वालों में बांट दी और कुछ कहते हैं कि टोंडा ने उसे अपने बिजनेस में लगा दिया। हम नहीं जानते कि टोंडा ने पैसों का क्या किया, मगर उम्मीद है कि इतने सारे लॉ सूट्स लड़ने के बाद अब वो कहीं सुकून की जिंदगी गुजार रही हो। हमें नहीं पता कि टोंडा इस वक्त अपनी जिंदगी कैसे गुजार रही हो, लेकिन $10 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और उसका उसने क्या किया इसके बारे में भी कोई नहीं जानता। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये वाली टोंडा टिक्की मसाला। यार मत कर।